टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज टेंस? कोई पूछ दिया कि टेंस क्या है, तो इसका परफेक्ट आंसर हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने में एक निश्चित समय अवधि लगती है, उसी समय अवधि को हम टेंस या काल कहेंगे जो समय अवधि उस कार्य को पूरा करने में लगा हो। या तो फिर कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने में जो समय अवधि लगती है, उसी समय अवधि को हम टेंस या काल कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं एक, कि हमने बाइक घर से दुकान पे लाया। अब जाहिर सी बात है, घर से जब बाइक को दुकान पे लाया तो घर से दुकान के बीच की कुछ दूरी होगी जिसे तय करने में हमें कुछ समय लगे होंगे, मान लेते हैं 5 मिनट लगा होगा। तो वही 5 मिनट जो घर से दुकान पे बाइक लाने में लगा ना, वही 5 मिनट टेंस हुआ, काल हुआ। समझ गए ना? साफ तौर पर किसी भी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही टेंस या काल कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछ दिया, हाउ मैनी टाइप ऑफ टेंस, मतलब काल कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़ा आसानी से कहेंगे देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में आ जाता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड में आ जाता है पास्ट टेंस, एंड थर्ड में आ जाता है फ्यूचर टेंस। ये टाइप्स ऑफ टेंस हुए दोस्तों, मतलब टेंस के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, सेकंड में पास्ट टेंस, एंड थर्ड में फ्यूचर टेंस। अब बारी है इस तीनों को हिंदी में क्या कहेंगे, इस तीनों का डिफिनेशन क्या होगा। प्रेजेंट टेंस को यदि कोई पूछ दिया कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या डिफिनेशन होगा, फिर पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का। और सबसे बड़ी बात है, यदि कहीं पे कोई शब्द लिखा या बोला जाता है तो बच्चे कैसे पता करे कि ये शब्द जो लिखा या बोला जा रहा है ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, या फिर फ्यूचर टेंस का है। तो बारी बारी से जानेंगे दोस्तों। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये जानते हैं, और इसका डिफिनेशन क्या होगा ये जानते हैं, और कैसे पता लगाए कि कहीं पे कोई शब्द लिखा या बोला जाता है तो वो कौन सा टेंस से लिया गया है, प्रेजेंट से है, पास्ट से है, या फिर फ्यूचर से है। तो बहुत अच्छा सा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा, और आप भी कुछ ही सेकंड में पता लगा पाओगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। टेंस के बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो इसे पहले हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्त प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, और टेंस का मतलब ऊपर लिखा हुआ है काल। तो हिंदी में क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल। समझ गए ना? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहेंगे। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो डिफिनेशन हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि विच सेंटेंस डिस्क्राइब टू करेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, मतलब जिस वाक्य से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब वो प्रेजेंट टेंस का एक उदाहरण देके बताए, जैसे राम खा रहा है, इसका क्या अर्थ निकलता है कि राम अभी अभी खा रहा है, कब खाया था नहीं पता है, आगे कब खाएगा नहीं पता है, बस इतना पता है कि राम अभी खा रहा है, मतलब वर्तमान समय में खा रहा है, वर्तमान समय का बोध हो रहा है ना, वर्तमान समय का आशय निकल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये वर्तमान काल है, मतलब प्रेजेंट टेंस है। ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस का भी होता है, फ्यूचर टेंस का भी होता है, इसीलिए मैं बोला था कि आपको प्रेजेंट टेंस को अच्छा से समझना है। इसी तरह से पास्ट का भी मतलब निकलता है और फ्यूचर का भी। अब थोड़ा एक बार और एक एग्जांपल और प्रेजेंट टेंस का, सीता गा रही है, पीछे कब गाई थी नहीं पता है, आगे कब गाएगी नहीं पता, बस इतना पता है कि अभी सीता गा रही है, मतलब करंट टाइम में गा रही है, प्रेजेंट टाइम में गा रही है, वर्तमान समय में गा रही है, तो प्रेजेंट टेंस हुआ ना, वर्तमान काल हुआ ना, क्योंकि वर्तमान समय में गा रही है। ऐसा तो नहीं है कि गाई थी या गाएगी, यहाँ पे है गा रही है, वर्तमान समय में गा रही है, तो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है। यही सिंपल सा फंडा है प्रेजेंट टेंस का। अब बात करते हैं पास्ट टेंस का, तो पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, भूत। भूत वो वाला एंजल वाला भूत नहीं, भूत मतलब पिछला समय, जो समय बीत गया, जो समय गुजर चुका है, जिस समय का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जो समय कभी लौट के वापस नहीं आएगा उसे भूत, प्रीवियस टाइम कहते हैं। तो यहाँ पास्ट का मतलब भूत हुआ, वो वाला भूत, और टेंस का मतलब काल हुआ। तो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे,
भूतकाल कहेंगे, समझ रहे हो ना। कोई पूछेगा व्हाट इज पास्ट टेंस, तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से बोलेंगे, व्हिच सेंटेंस डिस्क्राइब टू प्रीवियस टाइम, व्हिच सेंटेंस डिस्क्राइब टू प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब जो वाक्य पिछले समय को दर्शाए उसे भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं सीता गाई थी, सीता गाई थी पिछले समय में कभी गाई थी, अभी गा रही है कि नहीं गा रही नहीं पता है, आगे गाएगी या नहीं गाएगी नहीं पता है, बस इतना पता है कि सीता गाई थी। तो इस शब्द से, इस वाक्य से यह उच्चारण सामने आ रहा है कि पिछले समय में कभी सीता गाई थी, पिछले समय का आशय निकल के सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यह पास्ट टेंस है, क्योंकि पिछले समय को दर्शा रहा है, और इसका डिफिनेशन भी है पास्ट टेंस का कि विच सेंटेंस डिस्क्राइब टू प्रीवियस टाइम, पिछले समय को दर्शाए। और सीता गाई थी का मतलब क्या आता है कि पिछले समय में कभी गाई थी ना, तो जाहिर सी बात है दिस सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, समझ रहे हैं ना। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस भी इसी तरह से है, विच सेंटेंस डिस्क्राइब टू नेक्स्ट टाइम, अपकमिंग टाइम, आने वाले समय को दर्शाए, जो वाक्य आने वाले समय को दर्शाए या जिस वाक्य से आने वाले समय का बोध होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे बच्चे को कई बार बोलते हैं ना कि पता नहीं तेरा फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं तू आगे क्या करेगा, मतलब आगे का उम्मीद दिखाया जाता है, यह वाक्य फ्यूचर टेंस होगा। एक उदाहरण देते हैं, राम डॉक्टर बनेगा, अभी क्या है नहीं पता, पीछे क्या था नहीं पता, आगे डॉक्टर बनेगा। इस वाक्य से आगे का उच्चारण निकल के सामने आ रहा है कि आगे जाके बनेगा। कोई पूछ दिया कि राम डॉक्टर बनेगा, कौन सा टेंस है, तो पहले सोचेंगे कि बनेगा, आगे बनेगा ना, फ्यूचर में जाके बनेगा ना, तो ये तो फ्यूचर टेंस है, बस सिंपल सा ट्रिक है, आगे बनेगा तो फ्यूचर में जाके बनेगा ना, तो फ्यूचर टेंस हुआ। एक और उम्मीद दिखाते हैं आपको, आपकी शादी होगी, इसका क्या अर्थ निकल के आता है, पहले हुई थी कि नहीं हुई थी इससे कुछ पता नहीं आ रहा, अभी हुई है कि नहीं नहीं पता आ रहा, इससे क्या अर्थ निकलता है कि आगे जाके होगी, बस इतना पता लग रही है ना, फ्यूचर में होगी शादी आपकी, तो ये जाहिर सी बात है फ्यूचर टेंस है। बस यही सिंपल सा फंडा है प्रेजेंट को पहचानने का, पास्ट को पहचानने का और फ्यूचर को पहचानने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टेंस समझ में आ गया होगा, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं ये आपको पता लग गया होगा कि यह तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दोस्तों अब इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पास्ट टेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं और हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट्स आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट से हमें इंडिकेट कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर कर सकूं और भी अच्छे तरीका से बता सकूं कि प्रेजेंट टेंस के और कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनके क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, इनकी पहचान क्या है, कैसे आप इनके सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।